वहीं बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में सबसे बड़ा रोल गुर्जर जाति का रहा। बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में 9 गुर्जरों को टिकट दिया था, लेकिन उसका एक भी प्रत्याशी जीत दर्ज करने में सफल नहीं रहा। वहीं कांग्रेस ने 12 गुर्जर प्रत्याशियों को टिकट दिए, जिनमें से 7 जीतने में सफल रहे। देखिए कास्ट पॉलिटिक्स को इस बार कितना बैलेंस किया गया राजस्थान चुनाव में। गुर्जरों को साथ लेकर जीत का रास्ता तय करने वाली कांग्रेस के 12 में से 7 कैंडिडेट जीते, तो वहीं बीजेपी के 29 जाटों में 8 ही जीते। प्रतिशत में यह आंकड़ा 27 पर पहुंचता है, जबकि कांग्रेस के 32 जाट उम्मीदवारों में 11 की जीत का सक्सेस रेट 34 पहुंचता है। ऐसे में आंकड़े रिफ्लेक्ट करते हैं कि जातियों का जुगाड़ साधने में बीजेपी फेल रही। आंकड़ों की पार्टी बताई जाने वाली बीजेपी को इस तबके के 6 विधायक मिले, तो कांग्रेस के 7 ब्राह्मण कैंडिडेट विधानसभा पहुंच रहे हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो बीजेपी के खिलाफ गुर्जरों का गुस्सा साफ दिखाई देता है। राजपूतों ने भी इस बार चेहरा देखकर वोट किया है। बीजेपी से गुर्जर क्यों नाराज है? चुनाव में इसके 3 बड़े कारण सामने आए हैं। सचिन पायलट का संभावित सीएम चेहरा होना, गुर्जर आरक्षण को लेकर के नाराजगी, कई गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में किरोड़ी को कमान सौंपना। चुनाव पैटर्न बताते हैं कि सचिन पायलट की साफ सुथरी छवि हर समाज के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के बीच उनकी पकड़ इन्हें लोकप्रिय बनाती है। पायलट सांसद से लेकर के केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर 5 साल के काम की सराहना। उधर गुर्जर समाज में उनका बड़ा प्रभाव, कांग्रेस में सबसे ज्यादा गुर्जरों की जीत और बीजेपी में गुर्जरों की हार का बड़ा कारण है। प्रदेश में गुर्जर आरक्षण को लेकर भी इस तबके में नाराजगी है। ये विवाद पिछले 12-13 साल से चल रहा है। बीजेपी ने गुर्जर समाज को 5% आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में गुर्जर समाज को पायलट से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी समाज के दबाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कई जगहों पर प्रदर्शन कर विरोध दर्शा चुके हैं। गुर्जरों के विरोध का तीसरा बड़ा कारण है कि कई गुर्जर मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को प्रत्याशी चयन से लेकर रायशुमारी में शामिल किया। ऐसे जगहों पर गुर्जर नेताओं को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में गुर्जरों ने पायलट के प्रति समर्पण दिखाया और तय किया कि उनके क्षेत्र में कांग्रेस के मीणा प्रत्याशी को भी वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।